चलें, ये ये सर जबल नूर है, इधर कुरान पाक के नुस्खे पड़े हुए हैं, अब ये देख सकते हैं, ये एंट्री है, हम एंटर कर रहे हैं। नजीब आगे हो जा। इन कुरानों का जो है बहुत पुरानी पुरानी 800 1000 साल 2000 साल पहले की नुस्खे पड़े हुए हैं। ये कितने पुराने हैं? इसमें तकरीबन हर 800 साल के भी पहले का है, 2000 साल के, 3000 साल सात तीन हजार साल के भी हैं। अच्छा, 3,000 साल पुराने ये कुरान पाक के हाथ नुस्खे से लिखे हैं, भी हैं। ये जी आप सर, देख सकते हैं। ये 400 साल पहले कदीम कलमी, कितना का है? ये 400 साल है पहले का। ये कितना है? ये अगस्त 2014 ये में जबल नूर को मिला, अच्छा ठीक है, ये लेकिन 400 साल पुराना ये कुरान चार शरीफ सौ है। और ये तर्जमा फारसी में ना इसका तर्जमा किया हुआ है अच्छा, इसका फारसी में तर्जमा किया हुआ है, मास्टर ठीक है। मोहम्मद सुलेमान। ये हाथ से लिखा हुआ कुरान है, मास्टर मोहम्मद सुलेमान मरहूम साहब के दस्ते हाथ से लिखा हुआ है, ये ये आप देख सकते परनाना हैं। साहब के, मास्टर मोहम्मद सलमान के परनाना साहब को लिखे हुए। ये कमरा है और इसमें इधर पता ही नहीं सी चीज इबादत है। ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये 500 साल कदीमी दुरूद इस्लाम की किताब है। ठीक है, अच्छा ये वाली, हाँ जी, इसका ठीक ये है। तमीम मलिक इसमें लिखा हुआ है। ये 103 साल पुराना है, कलमी नुस्खा है। ये भी 400 से 500 साल पुराना है, ये भी 400 से 500 साल पुराना है। आगे आ जाओ सर, इधर ये रोमन ये जमाने तीन सौ का साल ये पुराना कलमी कदीमी नुस्खा है, ये भी 200 से 300 साल पुराना कदीमी ये नुस्खा पहले है वाले कुरान नहीं शरीफ है, का। ये प्यारी जगह बनी हुई है। हाँ, ये ये कितना पुराना है? 500 साल ये हाथ की लिखी हुई किताब नमाज बमा फारसी तर्जमा 400 से 500 साल ये जहाँ पुरानी पर लिया है। है फजाइल जिक्र अरबी तर्जमा बजबान रूसी, रूस की जबान में लिखी है सर। अच्छा, ये बिन मुराद अली लाड़ी, ये आपको क्वेटे की मदद। यहाँ पे मैंने एक कुरान मजीद दिया हुआ था, वो बिल्कुल ये इसमें था, इसमें वो अभी नजर नहीं आ रहा। एक छोटा सा पड़ा था उधर, एक छोटा सा बिल्कुल बड़ी बड़ी गेंद से लिखी देता, देखो उधर पीछे वो दूरबीन से आपने उसको देखना। वो हो गया था बस, कुछ चीजें वो उठा के ले जाते हैं ना, बंदे समय नहीं मिलता। ये जितने आपको नजर आ रहा है ना, ये सारे शहीद हुए कुरान मजीद है। अच्छा, ये सारे शहीद हुए कुरान मजीद हैं, ये भी पुराने नुस्खे हैं, इनमें कोई गालिबन 3,000 साल पुराने भी नुस्खे पड़े हुए हैं जबले नूर में। और नजीब, ये इधर। ये जो है ये अभी तो बंद है ना, ये अंदर से कई मीटर अंदर अच्छा, अंदर सुराख से हुआ है। कई मीटर लंबी सुरंग है और इसमें भी कुरान पाक के कदीमी नुस्खे पड़े ये हुए हैं। अभी आप आगे आ जाए। अभी वापसी हम जा रहे हैं, और ये यहाँ पे जो लोग इबादत के लिए आते हैं ये ना, कमरा ब्राय खवातीन इबादत के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी पहाड़ के और नीचे ये सुरंग ना में ही है, हर सुरंग जो है ये तकरीबन 50 50 60 60 मीटर से ऊपर, मीटर से ऊपर 50 60 मीटर लंबी से है। ऊपर है, ऊपर है हर सुरंग। ये कलमी सुभान नुस्खा पड़ा हुआ है कुरान शरीफ का, बारीक लिखाई में, ये आप देख सकते हैं। अल्लाह।
ये भी कमरा इबादत के लिए इस्तेमाल होता है, फिल वक्त इन्होंने बंद किया हुआ है। ये भी कमरा है, ये कमरा है, और इधर ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं इबादत कर रहे हैं, और पीछे कुरान पाक के पुराने नुस्खे पड़े हुए हैं। ये भी इबादत की जगह है, और ये जबल नूर है।